अस्सलामुअलैकुम कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद, मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कराची तैयारा हादसा की वजीर हवाबाजी की इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून को ऐवान में पेश करने का ऐलान। गुलाम सरवर खान का कहना था कि हमारे पायलट लाइसेंस की जालसाजी में मुलविस रहे। PIA तैयारा हादसा की फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी और जिम्मेदार का एहतसाब भी होगा। दौरे हुकूमत में पाकिस्तान स्टील खसारे में गई है। हम पहले पाकिस्तान स्टील का खसारा खत्म करेंगे, फिर उसे मुनाफा बख्श बनाएंगे। हम इदारों को ठीक कर रहे हैं, इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा, मुराद सईद का दावा। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ माली गोशवारों में तजाद से मुतल्लिक केस निपटा दिया। माली गोशवारों में तजाद के मामले पर बिलावल भुट्टो का जवाब मंजूर। इलेक्शन कमीशन मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने माली गोशवारों से मुतल्लिक समाअत की। आलमी इदारे सेहत की तजावीज पर अमल दरामद जरूरी नहीं, मावन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि 2 हफ्ते लॉकडाउन, 2 हफ्ते नरमी की तजवीज जेरे गौर नहीं। आलमी इदारे सेहत ने सिर्फ वबा को देखना होता है। पाकिस्तान में एक रोज के दौरान कोरोना केसेस की तादाद 5000 से तजावज कर गई। गुज़श्ता 24 घंटों में 5385 नए मरीज सामने आए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,13,702 तक जा पहुंची। एक दिन में 83 मुतासरीन इंतकाल कर गए। अम्बाद की मजमूई तादाद 2,255 हो गई है। सिंध में इस वक्त तक 43,790 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि 24 घंटों में मजीद 42 कोरोना के मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 738 हो गई है। IG पंजाब के इंतजामी और पेशावराना अमूर में मजीद बेहतरी के लिए अहकाम जारी। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में IG पंजाब शोएब दस्तगीर का कहना था कि तरक्याती स्कीमों और प्रोजेक्ट्स की निगरानी RPOs DPOs खुद करेंगे। थाना जात की बाजाबता इंस्पेक्शन और पुलिस असलाहत पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। IG पंजाब की जेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस, CCPO लाहौर समेत सूबे के तमाम RPOs और DPOs की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। इजलास में इन्वेस्टिगेशन, स्टैंडिंग ऑर्डर और तरक्याती प्रोजेक्ट समेत दीगर अमूर जेर बहस आए। IG पंजाब के इंतजामी और पेशावराना अमूर में मजीद बेहतरी के लिए अहकाम भी जारी किए गए। शोएब दस्तगीर का कहना था कि तमाम अजला में जारी तरक्याती स्कीमों और प्रोजेक्ट्स की निगरानी RPOs DPOs खुद करेंगे। पुलिस फोर्स के जेर इस्तेमाल असलहा इलाका और क्राइम की शरह तनासब को मद्देनजर रखकर तकसीम किया जाएगा, जबकि मजीद शहरियों की शिकायत के अजाले के हवाले से सिटीजन फीडबैक के निजाम को मजीद मौसर किया जाएगा। ज़िले इंतजामिया लाहौर गैर कानूनी तौर पर कायम तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। हरबंसपुरा में 5 घरों पर काम जारी था, जिसको रुकवा कर 7 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मलिक आयान। जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया लाहौर गैर कानूनी तौर पर कायम तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मासी मालूक ने कार्रवाई की है। गैर कानूनी तौर पर 5 घरों की तामीर जारी थी, जिसको रुकवा कर 7 अफराद को मौके पर हिरासत में ले लिया गया है। कार्रवाई हरबंसपुरा मुंसिपल टाउन में की गई है। SHO हरबंसपुरा दीन कंबे भी एसी शालीमार मालूम के हमारे से गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूम का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की हिदायत पर कार्रवाई की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को के नॉर्दर्न सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इसी दौरान कुल 1,171 कनेक्शंस चेक किए गए, जिनमें से 42 कनेक्शंस में मुख्तलिफ नवयत की बेजाब्तगियां सामने आई। तमाम खिलाफे जाब्ता कनेक्शंस मुनकता करके 85857 डिटेक्शन यूनिट बिजली चोरी की मद में चार्ज किए गए हैं, जबकि पकड़े जाने वाले बिजली चोरों के खिलाफ FIRs के अंदराज के लिए दरखास्तें मुतलका थानों में जमा करवा दी गई।
सीसो के नॉर्दर्न सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इसी दौरान कुल 1171 कनेक्शन चेक किए गए, जिनमें से 42 कनेक्शन में मुख्तलिफ नवयत की बेजाबतगियां सामने आई। तमाम खिलाफ इजाबता कनेक्शन मुनकता करके 85,857 डिटेक्शन यूनिट्स बिजली चोरी की मद में चार्ज किए गए। पकड़े जाने वाले बिजली चोरों के खिलाफ FIRs के अंदराज के लिए दरखास्तें मुतलका थानों में जमा करवाई हैं। मजीद तफसीलात के लिए जानते हैं मुबशर अली जंजुआ से। जी मुबशर अली जंजुआ, आगाह कीजिए। जिन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन किया और 1715 कनेक्शन चेक किए गए थे, जिसमें कई बेजाबतियों का ऐलान किया गया था, जिसमें 42 के करीब जो है ना इलाका थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया और उनसे 85,857 डिटेक्शन ऑफ लोड चार्ज किया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 73,44,345 तक जा पहुंची। इससे हलाकतें 4,14,147 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 1,093 अफराद लुकमाए अजल बने। एक तरफ जहां पूरी दुनिया को कोरोना वबा ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और बेबस कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब लोगों को तफरी फराहम करने के लिए खिलाड़ी तबका मैदान में उतर आया। यूरोपीय ममालिक में शायकीन को तफरी फराहम करने के लिए क्रिकेटर्स मैदान में उतर आए हैं। मुख्तलिफ क्लब्स के खिलाड़ियों ने लोगों के तहफ्फुज़ को मद्देनजर रखते हुए खाली स्टेडियम में क्रिकेट का आगाज कर दिया। क्रिकेटर्स का कहना है कि यह इकदाम लोगों की तफरी के लिए उठाया गया है। जबकि आपको बताएं इस हवाले से मजीद के एक तरफ जहां पूरी दुनिया को कोरोना वबा ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और बेबस कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब लोगों को तफरी फराहम करने के लिए खिलाड़ी तबका मैदान में उतर आया। यूरोपीय ममालिक में शायकीन को तफरी फराहम करने क्रिकेटर्स मैदान में आए हैं। मुख्तलिफ क्लब्स के खिलाड़ियों ने लोगों के तहफ्फुज़ को मद्देनजर रखते हुए खाली स्टेडियम में क्रिकेट का आगाज कर दिया। क्रिकेटर्स का कहना है कि ये इकदाम लोगों की तफरी के लिए उठाया गया। क्लब क्रिकेट इंतजामिया का यह भी कहना है कि इनको शिद्दत से इस वक्त का इंतजार है जब स्टेडियम में तमाशाइयों की मौजूदगी में मैचेस कराए जाएं। चीन ने बगैर पायलट की फिजाई टैक्सी तैयार कर ली, जो शहरियों को ट्रैफिक जाम के मसले से निजात दिलाने के अलावा तेज रफ्तार और आरामदेह फिजाई सहूलत फराहम करेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही है।